लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC ST NTSC एवं ओलम्पियाड्स नीट JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइ स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे GPS के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। ACL ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। ऑल द अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न वेल, फेस द चैलेंजेस ऑफ द कॉम्पिटिटिव। 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। माय स्कूल प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इनमें मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। मोबाइल छीनने के मामले में थाना पुलिस ने की कार्रवाई, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर शहर निबी थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने के मामले में आरोपी पवन पुत्र ताराचंद जाति जाटव निवासी आजाद नगर शाटपुट रोड व उसका साथी देशराज पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सीकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि परिवादी रमेश कुमार निवासी गणपति विहार ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। NEB अंडरपास के पास में घूमने आया था, तभी बाइक पर सवार दो व्यक्ति आए और झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मोबाइल भी बरामद किए हैं। साथ ही दो अन्य चोरी की वारदातें भी कबूल की है, जिसमें उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पवन के खिलाफ पूर्व में भी NEB थाने में दो लूट के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान PC रिमांड पर लिया गया। दिनांक 11/6/2024 को परिवादी श्री रमेश चंद ने प्रकरण दर्ज कराया कि वो NEB एक्सटेंशन अंडरपास के पास से आ रहे थे, तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने वो मोबाइल झपट्टा मारकर छीन कर ले गए, जिसे प्रकरण दर्ज किया गया, तलाश किया गया। तो तलाश के दौरान मुखबिरी की इत्तला पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक आरोपी पवन पुत्र ताराचंद जो आजाद नगर साठ को रोड का रहने वाला है, 24 वर्ष का युवा है। दूसरा देशराज पुत्र देवीलाल जो मूल रूप से सीकरी का रहने वाला है, अभी किराए पे 60 फीट रोड पर ही रहता है। इन दोनों को मुखबिर की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया था, जिनसे घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और छीने गए मोबाइल को भी बरामद किया गया है। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA BCOM, BSc में बायो, मैथ, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ, जूलॉजी, केमिस्ट्री, LLB, BEd, BSTC कोर्सेज संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहाँ NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त, BA BSc में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य, सभी रोटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम, एडमिशन ओपन। तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। मुंडावर क्षेत्र के जालावास में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि मंजीत ललित यादव रही। इस दौरान मंजीत ललित यादव ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है और रक्त एक दूसरे के सहयोग से ही आदान प्रदान होता है। ये कहीं कृत्रिम रूप से तैयार नहीं होकर दान से ही पूर्ति की जाती है। इस दौरान 71 यूनिट रक्तदान हुआ
इस दौरान रक्तदाताओं को फल एवं हेलमेट वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान जिला पार्षद भीमराज यादव, सुभाष यादव, सतवीर यादव, रविंद्र यादव, धाकड़ यादव, मनोज यादव, प्रदीप यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी वह भी कोटा सीकर जयपुर दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन वह साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। माय स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेल, टीचर्स आर वेल बिहेव्ड एंड बिहेव फ्रेंडली विद द स्टूडेंट। इन माय स्कूल देयर हैज मेनी लैब्स, मेनी क्लासेस एंड देयर इज आल्सो स्पोर्ट्स टीचर व्हिच कमांड अस एंड टीच अस अबाउट द स्पोर्ट। RPS स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू CBSE सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ IIT फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BEd 2 year एंड BA BEd BSc BEd इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट ITI, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयू सिंह कॉलेज, BA BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MA हिंदी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा RPS के साथ, तो आज प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर जिले के कठुमर थाना अंतर्गत पावटा ग्राम का 28 वर्षीय संजय जाटव घर से काम करते समय ग्लेंडर से कट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने बताया कि वह मजदूरी का कार्य करता है और काफी सालों से घर पर फर्नीचर बनाने का कार्य कर रहा है। आज दोपहर को जब मैं काम कर रहा था तो काम करते समय ग्लेंडर से उसका हाथ पैर कट गया, जिसको परिजन कठुमर के अस्पताल में लेकर आए, जहां से गंभीर अवस्था के चलते उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया। घायल ने बताया कि उसके हाथ व पैर में 15 से 20 टाके आए हैं, फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। दाम पावटा और ग्लेंडर से कटा है और चलाने से वक्त में हाथ से टूट गया, तो इसलिए पैर और हाथ कटे हैं। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, जहां आपके ननिहालों का सवारा जाता है भविष्य। आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काकाबल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%, JEE मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहाँ प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता में उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरोड, आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। आपसी कासुनी को लेकर हुआ विवाद, एक परिवार में दो पक्षों में हुआ झगड़ा, 5 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में करवाया घायलों को भर्ती। अलवर के सदर थाना अंतर्गत बहादुरपुर गांव के समीप बरोटा का बास में एक ही परिवार के दो पक्षों में आपसी कासुनी को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें पहले पक्ष के आकू और हाकम घायल हो गए। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया कि हसन, हसरू, नसरू, असलम, अब्दुल आसिक व 8 से 10 लोगों ने लाठी डंडों में बर्छियों से हमला कर दिया। उन्होंने दूसरे पक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वे लोग बंदूक लेकर आए थे, उन्होंने हवाई फायरिंग की। इस घटना में दूसरे पक्ष हसन, नसरू व असरू के चोट आई है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। दूसरे पक्ष के हसन खां ने बताया कि आज से 15 दिन पहले सिमरोली गांव में आबिद व नसरू खां का आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ था। उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज दोबारा से दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। भैया घटना ये है, ये
काम को जा रहे थे, काम से हुआ कर लू और रास्ते में ये पहले से बैठे और ये 10-12 आदमी थे बिंदु की और इन पर फर्सी थी, इन्हें जोड़ते ही फर्सी दिए, ये टेंट फटी फटी और इन्हें एक दो राउंड बिंदु पर चलाया और इन्हें ट्रैक्टर भागा भागा रहे, पांच ट्रैक्टर से हमला करा और जब ट्रैक्टर स्पष्ट न हो जब बिंदु चलाई इन्हें फिर फर्सी दिए इसको। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरू, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत 50 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन अलवर के जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। घायल की पत्नी किशन देवी ने बताया कि उसके पति मंगलेश शर्मा गांव में जमींदारों का काम करते हैं। कल देर रात को वह खेत से अपने घर आ रहा था, तभी हरशाना मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में लेकर गए, जहां से गंभीर अवस्था के चलते उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग के सर में चोट आई है, फिलहाल बुजुर्ग का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मंगलेश शर्मा, पता नहीं सर जी कैसे हुई है, हमको तो पता नहीं, हम तो दूसरा पड़ोसी में जाकर नहीं भर्ती करा रहा था, जब पता लगा क्योंकि वाहन ने टक्कर मार दी, पता नहीं है, हमको पता नहीं। पापा किस पे थे? हैं? पापा किस पे? मोटरसाइकिल पर। कहाँ के निवासी हैं पापा? लक्ष्मणगढ़। ऊपर लक्ष्मणगढ़? हाँ। गोकुल ग्लोबल स्कूल ए बेटर टुमारो बिगिन टुडे, एडमिशन ओपन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, सैनिक मिलिट्री एवं नवोदय स्कूल के लिए 27 मई से नए बैच प्रारंभ, CCTV कैमरे एवं डिजिटल क्लासरूम्स, ऑल प्ले एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा गोकुल ग्लोबल स्कूल के साथ। सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय, मोनिका यादव हेड ऑफ स्कूल, एड्रेस गोकुलपुर नियर कोट बहरोड। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प, कमला पब्लिक स्कूल बहरू, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। बेटी की शादी न होने से पिता परेशान, खाया जहर, हुई मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। अलवर शहर के अनिबी थाना अंतर्गत 53 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के भाई धनीराम ने बताया कि मृतक विजय पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी रणजीत नगर थाना अनिबी का रहने वाला है। मंगलवार को अपने बेटे से बोला कि बेटे शादी कर ले, तो सचिन ने अपने पिता को बोला कि ऐसी लड़की नहीं मिलती, मैं शादी अभी नहीं करूंगा। इसी बात को लेकर मृतक विजय जाटव ने शराब के नशे में जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई, जिसको परिजन 11 जून को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर आए, जो उनका इलाज चल रहा था। वहीं 14 जून को इलाज के दौरान मृतक विजय की मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे है, उसका पापा का नाम है विजय सिंह और उसके बेटा का नाम है सचिन कुमार, और कुछ काम करता था, रंग पेंट का भी करता था और बैटरी रिक्शा भी चला सकता था, और शाम को दारू पानी बेचता था, शुरू से हमारा से नहीं शुरू से ही पीता था, शाम को डेली। फिर वह उसकी शादी होगी लड़के की, उस लड़के की पहले वाली लड़की तो छूट गई, जिसका मतलब तलाक हो गया था। अब वो लड़का उसका पापा लुटे, शादी कर ले, तो लड़का लुबोला अपने पापा से,
कोई ऐसे कैसे दे देंगे भाग देती है, कोई लड़की मिलेगी लड़की तो पापा मैं करूँगा तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, शायद उसके रहते हैं। अब उसने क्या पता नहीं कब तो उसने तो दवाई ला के रख रहा है कि कब की नहीं रख रहा है, हमको तो कोई को पता। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बोटनी जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर सुदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलीला नीमराणा, 20 साल बेमिसाल जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास, चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की। विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अलवर जिले के मालाखेड़ा के हल्दीराम ग्राम में राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे, जो उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। उन्होंने अलवर पहुंचकर राज्य ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, साथ ही उन्होंने 117 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए। इसमें से 2020-21 में विभिन्न संकल्प कुल 40 विद्यार्थी, 2021-22 में कुल 38 विद्यार्थी और सत्र 2022-23 में कुल 39 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं पहले सत्र में 32, दूसरे सत्र में 24 व तीसरे सत्र में 28 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही 1.20 लाख विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। देखिए, जो कॉलेज आनंद आनंद में पिछली गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं पूरी समीक्षा करके निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं विद्या संबल से टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था करके अभी एक एक समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ पे कितने बच्चे हैं, का कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके जो सेशन चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था कर। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड, सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3-8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज, डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रीतिका यादव, पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्ज्वल भविष्य, जहां नीट, IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतरी रोड बहरोड। बहरोड कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश यादव के नेतृत्व में आज बहरोड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि ब्लॉक के 49 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतर स्कूलों के मंत्रालय कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस दौरान राकेश यादव ने बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि स्थानीय लोग एडमिशन के लिए स्कूलों में आते हैं, लेकिन स्कूलों में कर्मचारी ही नहीं मिलते, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज,
बेस्ट रिजल्ट, जहां पर जेई एनईईटी एनडीए एनटीएसई एसटीएससी सैनिक स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, टीपीएस पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी एलकेजी यूकेजी, शिक्षक कॉलोनी बहरूड, प्रिंसिपल डॉक्टर एस एन मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। टैगोर स्कूल बिचपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, स्कूल डायरेक्टर आर के यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान, यूनिक का प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में आईआईटी नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।